हाय गाइस, वेलकम टू ऑल। आप देख रहे हैं जियोग्राफी नंदनाथ। बड़ी नोटिफिकेशन आया है शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी रायगढ़, जो कि 13 तारीख का एक नोटिफिकेशन है कि जो आपका उपाधि प्रमाण पत्र है वो वेबसाइट में डाल दिया गया है। आप चाहे आप अपना उपाधि प्रमाण पत्र जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से, क्योंकि जिन लोग पास आउट हो गए हैं, बीए बीएससी फाइनल ईयर पास हो गए हैं या एमए एमएससी जिन लोग पास हो गया है, वो सोच रहा था कि हमारे जो डिग्री सर्टिफिकेट है, डिग्री हम कैसे ले अपने उपाधि जो कि आप फाइनल ईयर पास हो गए हैं। तो आप चिंता की देर नहीं है कि आप सीधा यूनिवर्सिटी वेबसाइट में जाके अपने मोबाइल फोन से अपना जो डिग्री उसका अप्लाई कर सकते हैं और आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले आ जाना है गूगल पेज में, जो कि यहाँ पे टाइप कर देना है एसएनपीवी रायगढ़, और सीधा जैसे उसके बाद सर्च में दबा देंगे तो आपके सामने शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के जो वेबसाइट है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। थोड़ी सी स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी रायगढ़ के जो वेबसाइट है snpvrayagadh.in, इस वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे और उसके सामने आपके सामने इस तरह जो है आपका फॉर्म खुलेगा। अपने मोबाइल फोन से ही आप अप्लाई कर सकते हैं जो अस्थाई जो उपाधि प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर में जो तीन डॉट दिख रहे हैं, इस तीन डॉट के क्लिक कर लेंगे और डेस्कटॉप साइट जो है इसको ऑन कर लेंगे तो आपके फोन हो जाएगा कंप्यूटर में जैसे खुलता है उसी हिसाब से आपके मोबाइल फोन में डेस्कटॉप साइट जो है आपके मोबाइल हो जाएंगे। फिर थोड़ी सी नीचे जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में प्रोविजनल लिखा है। ये एप्लीकेशन फॉर्म जो प्रोविजनल लिखा है इस पर आप क्लिक करेंगे, तुरंत आपके सामने इस तरह इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट एप्लीकेशन। ये जो आपको दिख रहा है प्रोविजनल सर्टिफिकेट एप्लीकेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्टर न्यू रिक्वेस्ट टू प्रोविजनल सर्टिफिकेट अप्लाई। तो ये सबसे ऊपर वाला जो है यहाँ पे आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट का अप्लाई करना है, और जैसे आप अप्लाई बटन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल के आएगा जिसमें आपका यूजर आईडी, आपका स्टूडेंट नेम, आपका मदर नेम, आपका नाम, कैटेगरी, आपका जेंडर मेल फीमेल, नेम आपका जो है एग्जाम के कौन सा नेम है, कॉलेज नेम, एड्रेस, होम, ये सारी चीज जो है आपको सही सही फिलअप करना है दोस्तों। यहाँ पे अपना मार्कशीट को सामने रख लेंगे ताकि सही सही फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि मार्कशीट के बिना आप गलत अगर इनपुट करते हैं तो आपको नहीं होगा। तो ये आप सारी चीज फिलअप करेंगे, और जैसे आप फिलअप करेंगे यहाँ पे फिलअप करने के बाद आपको दूसरा जो है यहाँ पे दिख जाएगा। ये जो जैसे आप फिलअप करेंगे पेमेंट ऑप्शन आपके सामने खुलेगा, इस पेमेंट ऑप्शन में जाके आपको एप्लीकेशन आईडी को पुट करके आपको पेमेंट भी करना है, और आपको यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आपको बता दूँ। अपलोड रिप्लेस डॉक्यूमेंट जो करना है आपको, अस्थाई जो उपाधि प्रमाण पत्र आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपको कॉलेज से टीसी निकाल लेना है, और सारी जो मार्कशीट है उसको स्कैन करके भी अपलोड करना होगा, और आप समय समय पर यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में जाके आप अपना एप्लीकेशन आईडी को पुट करके, आप डेट ऑफ बर्थ को पुट करके यहाँ पे अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि डाउनलोड हमारा हुआ कि नहीं हुआ है। तो इस तरह आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन सेटलमेंट, अगर कई बार आपने ट्रांजेक्शन कर दिए हैं फिर भी आपको पेंडिंग दिखा रहा है तो यहाँ पे आपको बता दूं ये होता है 80% केसेस में। तो आप अगर ट्रांजेक्शन करते हैं लेकिन अपने फोन से ट्रांजेक्शन नहीं जाता है, ट्रांजेक्शन सेटलमेंट जो है यहाँ पे जाके आप प्रोसेस में क्लिक कर देंगे और ट्रांजेक्शन आईडी एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे चाहेंगे, यहाँ पे जो प्रोसेस करेंगे आपका एप्लीकेशन सही में अप्लाई हो जाएगा। तो आपको मैंने इस वीडियो में बताया कि शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट आपका एप्लीकेशन का जो डिग्री सर्टिफिकेट है, बेसिकली यहाँ पे डुप्लीकेट मार्कशीट भी यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 13 तारीख का कि आपने जो पास आउट हुए हैं बीए बीएससी या एमएससी, अगर चाहे अपना जो उपाधि प्रमाण पत्र है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि सीधा इस तरह वेबसाइट में जाके आप अपना जो उपाधि प्रमाण पत्र है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि उपाधि प्रमाण पत्र
आपके बहुत सारे काम में आएगा। अगर आप किसी भी नगरी में या जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप किसी सेक्टर में जॉब सेक्टर में जमा करना चाहते हैं, तुरंत आप यहां पे जाके अपना जो उपाधि प्रमाण पत्र है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं कोई नया वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।